नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम मुद्दा है गरम। मुद्दा गरम में हम बात करेंगे हाप्ती दमकले बेबस नगर निगम। जी हाँ, बिल्कुल, जयपुर में जिस तरह से लगातार एक के बाद एक आग अग्निकांड हो रहे हैं, उस दौरान जो दमकल विभाग की स्थिति देखने को मिल रही है वो बड़ी ही भयावह है। विद्याधरनगर में हुए अग्निकांड के बाद लोगों को लग रहा था कि शायद नगर निगम कुछ सबक लेगा और कुछ हालात में सुधार होंगे, लेकिन अभी तक भी जो निगम के जो दमकल का जो विभाग है उसमें कोई सुधार नाम की चीज नजर नहीं आई। हाल ही में जयपुर में एक जो है जयपुर के जालूपुरा स्थित बाजार में आग लगती है और आग के बाद जो दमकलें वहां पहुंचती है तो उनकी हालत देखकर लोग भी जो हैरान रह गए। दमकल में कार्यरत कर्मचारी सही तरीके से उपकरणों को खोल नहीं पाते हैं। जो दमकलों में फॉर्म आता है आग बुझाने के लिए, पाइप फटे हुए निकलते हैं और फॉर्म और पानी पूरा बहकर सड़क पर बह जाता है, दरिया बन जाती है। आग बुझाने में काफी लंबा समय लगता है, लेकिन इस तरह के हालात बनने के बावजूद आखिरकार क्यों नहीं सरकार और नगर निगम है जो है कठोर कार्रवाई कर रही है? कोई अच्छा एक्शन क्यों नहीं ले रही है? क्यों नहीं इन उपकरणों की मरम्मत करवा रही है, या फिर जो कोई अगर उपकरण खराब है तो उन्हें चेंज करवाने का काम किया जा रहा है? क्योंकि ये अग्निशमन विभाग है, आपातकालीन इकाई है, जिसकी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। जो कर्मचारी है शायद अशिक्षित अप्रशिक्षित है, अप्रशिक्षित होने के कारण ही वो उपकरणों को सही उपयोग में नहीं ले पाते। जो अग्निशमन कर्मचारी पहुंचते हैं मौके पर वो कहीं तरह से इक्विपमेंट से लैस नहीं होते हैं, वो चप्पल और सामान्य जूतों में ही वहाँ अग्नि बुझाने पहुंच जाते हैं। अगर स्थानीय लोगों का उन लोगों को सहयोग नहीं मिले तो वो लोग बिल्कुल मौके पर विफल नजर आते हैं। इन्हीं सब बातों पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेसी पार्षद है उमरदराज जी। उमरदराज साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी नेता है डॉक्टर आलोक भारद्वाज। आलोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उमरदराज जी, एक के बाद एक लगातार इस तरह के हादसे होते आए, हादसे किसी को पूछ कर नहीं होते हैं। जिस तरह विद्याधरनगर का जो अग्निकांड हुआ था, 5 लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद पूरे शहर में इस बात की चर्चा थी, इस बात को लेकर नाराजगी थी कि निगम के जो दमकल विभाग अगर समय पर पहुंचती तो शायद यह हादसा नहीं होता। उसके बाद लोगों को लगा था कि अब शायद इसमें कुछ सुधार होगा, सुधार के बाद लोगों को लग रहा था सरकार इसमें कुछ एक्शन लेगी, लेकिन ऐसा नजर नहीं आया। और जिस तरह का हादसा कल हुआ उसमें भी इस तरह की लापरवाहियां देखने को मिली। आप निगम के पार्षद हैं, आपको क्या लगता है, क्या निगम की हालात इतनी खस्ता है कि वो जो ये एक महत्वपूर्ण इकाई है वहां पर भी सुधार नहीं हो पा रहा है? क्या कारण इसका, क्या लगता है आपको? देखिए नीरज जी, जहाँ तक सवाल है फायर का, तो ये चीज़ें निगम से ताल्लुक़ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर नगर निगम के हालात बद से बदतर इस टाइम पे हो चुके हैं। हम लोग ये सोच रहे थे कि आपातकालीन सेवाएं, आपातकालीन का मतलब ये होता है कभी भी किसी भी वक्त 24 घंटे में पलक झपकते कहीं भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। मगर बड़े शर्म की बात है कि अभी हाल ही में 5 मौतें वहाँ हुई और उस मौत से हम ये सोच रहे थे कि नगर निगम को शायद कुछ सबक मिल जाए, क्योंकि हालात इतने बुरे थे फायर के कि वहाँ तुम्हारे पे पाइप मौजूद नहीं थे, तुम्हारे जो पाइप जो थे वो 15 फीट से ज़्यादा उसके न्यूडल काम नहीं कर रहे थे। कर्मचारी चप्पलों से वहाँ पहुँच गए, निगम की तुम्हारे पास गाड़ियाँ बिल्कुल तैयार नहीं थी, तुम्हारा जो थी वो ऐसी हैं कि झूलती झूलती पहुँचती हैं। तो हम ये सोच रहे थे कि 5 मौतें हुई हैं, हो सकता है कि इन 5 मौतों से चलो माली नुकसान तो खूब हो जाता है और माली नुकसान की परवाह नहीं करता नगर निगम, तो हम ये सोच रहे जानी नुकसान की तो शायद परवाह करेंगे। मगर हमारे महापौर महोदय जिन्होंने इस टाइम हिटलर शाही चला रखी है, वन मैन शो जो बने हुए हैं, वो सिर्फ अभी एक ही तरफ लगे हुए हैं और उनको चाहिए सर्वेक्षण अभियान, उनको चाहिए क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी, स्मार्ट सिटी। तो बिल्कुल बनाइए, हम लोग सहयोग देते हैं इस बात का कि ग्रीन सिटी बननी चाहिए, क्लीन सिटी बनना चाहिए, तुम्हारा संरक्षण अभियान तुम्हारा चलना चाहिए। मगर ये कहाँ का इंसाफ है कि एक तरफ तो लोगों की जाने जा रही हैं, आप दूसरी तरफ अपने डिपार्टमेंट को संभाल नहीं पा रहे हो, ना तुम अपने जो गाड़ियों के चेसेस, तुम्हारे 14-15 चेसेस 3 साल से वहां खड़े हैं जो कांग्रेस के कार्यकाल में खरीद के खड़े करे गए थे, आज हमने खरीद के खड़े करवा दिए। ज्योति जी के टाइम पे वहां खड़े खरीद लिए गए, उनको खड़े कर दिए गए और उसके बाद हमारा कार्यकाल खत्म हो गया। तो तुम 3 साल के कार्यकाल में आज तक उनके चेचे के अंदर तुम पूरी बॉडीज नहीं बना पाए, उनके बाकी के काम नहीं कर पाए, तो क्यों ऐसा क्यों करना चाहते हैं ये लोग? ये वन मैन शो बने हुए, देखिए समितियां इनके पास बनी भी नहीं है, जब तक समितियां नहीं बनेंगी इनके काम का डिवाइडेशन नहीं होगा, और जब तक डिवाइडेशन नहीं करोगे आप काम को करने नहीं कर पाओगे। जयपुर की हालात इन्होंने बद से बदतर कर दी है, ये महापौर आंखें मूंदे बैठे हैं, वन मैन शो बनना चाहते हैं। अरे आप बनो ना वन मैन शो, मगर वन मैन शो बनने के लायक
इतना काम तो करो आप जनता। उमर दराज जी कहीं ना कहीं महापौर वन मैन शो बने बैठे हैं और इसी वन मैन शो बनने के चक्कर में नगर निगम की समितियां नहीं बन पाई है और यही कारण है कि जो काम का बंटवारा नहीं हो पा रहा है और काम का बंटवारा नहीं होने से कई नुकसान जयपुर की जनता को भुगतने पड़ रहे हैं। आलोक जी क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह कल भी जयपुर में एक अग्निकांड हुआ दो दिन पहले भी, और जिस तरह का विद्याधरनगर में कांड हुआ उसके पहले भी जो अग्निकांड हुए थे, लगातार लोग शिकायत करते रहते हैं कि दमकल विभाग समय पर नहीं पहुंचती है, कर्मचारी अप्रशिक्षित है, स्टाफ पूरा नहीं है, और यहां तक कि जो नोजल पाइप्स है वो भी फटे पुराने हैं, जब पानी छोड़ा जाता है तो पानी सड़कों पर बह जाता है, फॉर्म सड़क पर बह जाता है, और जो अग्नि बुझाने का जो काम होना चाहिए तत्परता से त्वरित से वो नहीं हो पाता है। क्या लगता है कहीं कहीं महापौर की जो वन मैन शो की कार्यशैली है उसके चलते इस पर प्रभाव तो नहीं पड़ रहा? देखिए नीरज जी, सबसे पहले तो हादसा चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हादसा हादसा होता है, और हादसे के होने के पश्चात भी अगर बयानों में भी राजनीतिकरण की बू आती है तो वो सारी जनता देख रही है कि उस तरह के बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। मैं भी उमर दराज जी को सुन रहा था, उन्होंने ठीक है उन्होंने अभियानों के नाम लिए, फिर वो कह रहे कि एक तो आप सबसे बड़ी बात आपने कहा वन मैन शो, उस व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति है कार्य कर रहा है और जाके वन मैन शो की बात ही नहीं आती है ना, यहाँ पे जनता का अगर प्रतिनिधि है तो जनता के लिए कर रहा था, यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि कार्य में पीछे है। अब उन्होंने एक शब्द का संरक्षण अभियान, स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान चल रहा, संरक्षण संरक्षण का जो शब्द उमर दराज जी ने तीन चार बार इसमें यूज किया, तो मैंने कहा संरक्षण की अगर परंपरा कहां से चली आ रही थी मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का संरक्षण हम किसी को देते हैं। आलोक जी शब्द पर नहीं जाए, मैं शब्दों पर नहीं जा रहा, मैंने तो बात कही है उनकी, कहने का तात्पर्य आप देखिए देखिए संरक्षण नहीं कहा वो उमर दराज जी बताइए विद्याधरनगर, मैं नहीं जा रहा शब्द पे, उमर दराज जी विद्याधरनगर का जो हादसा हुआ था आज आज अगर समिति बना देते तो आग लग गई, आप फायर ब्रिगेड आपके टाइम पे उमर दराज जी आपके समिति समिति से आप पीछे अभी समिति से आग लगने का क्या संबंध है आप ये बताइए, आप तो ये कह रहे की समिति होती तो आज अगर आग लगाई जाती है आप ये कह रहे जा रहे हैं। सुनिए समिति अगर आपकी बनी हुई होती तो काम बटा हुआ होता, और काम बटा हुआ होता कहने दें, मैं सत्यता बता देता हूँ आपको, हमारे जो चेचे तीन साल में खड़े वो तीन साल उम्र एक बार की बात सुनते हैं पहले, पूर्व महापौर का नाम लिया कि हमने ये खरीदा, देखिए क्या किया था, अभी वो मुद्दा यहाँ पे जो मुद्दा है उस पर है, अगर हम तुलनात्मक रूप से करेंगे तो उमर दराज जी तुलना करेंगे तो जनता को सब पता है क्या किया था, उसका परिणाम भी भुगतना पड़ा था। आज फायर ब्रिगेड के कम से कम 14 चेसेस वहां पड़े हुए हैं, तीन साल से क्यों नहीं बनवाए वहां पर होते हैं, मैं बता रहा हूं फायर ब्रिगेड का गठबंधन अभियान चल रहा है, नगर निगम नगर निगम में आप पार्षद हैं, जो उमर दराज जी आलोक जी अपन इस मुद्दे पे आएंगे, इस मुद्दे पे मैं इसी मुद्दे पे आ रहा हूं, दराज जी तीन बार पार्षद हैं, बड़ा मुद्दा है क्योंकि पूर्व सरकार में खरीदे गए थे चेसिस, आखिरकार क्यों नहीं इस सरकार में इस नगर निगम के कार्यकाल में क्यों नहीं उनके नोटिस बनाई गई, इस बात पर चर्चा करेंगे। पहले आलोक जी को अपनी बात रखने दीजिएगा, अपनी बात रखने दीजिएगा ताकि लोगों को पता लग सके, क्योंकि इन्होंने महापौर और अन्य लोगों से बातचीत की। नीरज जी देखिए ये बहस जो है ये अगर इस समस्या पे है या व्यक्तिगत किसी के ऊपर जो इनके मन में द्वेष है उस व्यक्ति महापौर के पास उसका समस्या बन गया, इनका द्वेष व्यक्तिगत हो सकता है, आपने समस्या में मुझे बताया दे सरकार कुछ कर नहीं पा रही है, तो पांच महीने आपको सरकार से पीड़ा है, आपको महापौर से पीड़ा है, और आप जो हाथ से हो उनका आड़ लेके अगर फायरिंग करना चाहते हैं तो उचित नहीं है। नीरज जी आलोक जी शायद मेरे बड़े भाई ये नहीं जानते इस बात को कि आप क्या अभी पांच मरे, आप क्या 150 मरने का इंतजार कर रहे हैं, सुधार वाली बात बता रहा हूँ नीरज जी, नीरज जी ठीक है मैं उमर दराज जी का सुधार का ही जवाब दे रहा हूँ। उमर दराज जी आप देखिए अभी तक नेशनल बिल्डिंग कोड जो है वो चलता है, अभी हमें आपको भी पता होगा, नहीं हो तो मैं आपको बताया था, और आपको पता है तो सारी जनता को अगर नहीं पता तो उन्हें बता देता हूं कि अभी तक जो फायर की एनओसी है वो नेशनल बिल्डिंग कोड में दी जाती है, जिसमें करीब 15 मीटर से ऊंची बिल्डिंगों पे बहुत सारे उसमें नियम है नीरज जी, क्या ना नियम सारे बने हुए हैं कि उस पर इतने लीटर टैंक ओवरहेड टैंक होना चाहिए, करीब 1,00,000 लीटर पानी, लेकिन वो कोड है, मैं वही बता रहा हूँ आपको, अभी निगम ने उसके बाद खुद निगम के आयुक्त ने सरकार को पत्र लिख दिया है कि फायर एक्ट लागू किया जाए। देखिए कोड और एक्ट में फर्क होता है आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कि मगर पावर तो निगम के पास ही है ना आज भी, सर मैं वही बता रहा हूँ आपको, फायर की एनओसी मैं आपको वही बता रहा हूँ, निगम देती है नहीं तो एनओसी देने का मतलब ये आज का दावा आप लगा रही है, क्यों दिया आपने
बात एक्ट के लागू होने की बहुत दूर है, जब एक्ट लागू होगा तब देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल तो जो जिम्मेदारी नगर निगम के पास है, नगर निगम अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहा। कहीं ना कहीं नगर निगम आलोक जी कहना चाह रहे हैं, बात सुनिए, बात सुनिए, आप आलोक जी की बात, आप मेरी बात सुनिए, आलोक जी की बात सुनिए, आलोक जी लागू करने तक आलोक जी की बात एक बार दर्शकों तक पहुंचे इनकी बात। आलोक जी बताइए, जिस तरह की लापरवाही सामने आ रही है, क्या निगम दोषी नहीं है, आप इतना बताइए। निगम जी 101% दोषी है। एक बार आलोक जी की बात सुनिए। नीरज जी बिल्कुल दोषी आप ही कह रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि आग क्यों लग रही है, उनके कारणों को हम जाते हैं, आग के कारणों को बाद में ढूंढते कारणों को बाद में ढूंढते आप देखिए सूचना मिलने के 5 मिनट के अंदर 7 मिनट के अंदर गाड़ी वहां पहुंच गई थी, आप फिर भी साहब आप 35 मिनट तक आ जाएगा, आप जिस जनता के सामने झूठ बोल रहे हो, नहीं कह रहे क्योंकि ये सब रिकॉर्डेड है, जयपुर नगर निगम के महापौर अशोक लाहोटी के आधार पर ही मैं आपको कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है, आप निश्चिंत रहिए इस चीज से, मैं कोई घुमाने वाली बात नहीं करूंगा, मैं जो कहूंगा आप ये कहेंगे तो जयपुर महापौर आपके सामने खुद वो कह रहे हैं, आप ये मान के चल सकते हैं सर, ऐसा नहीं है, महापौर 24 घंटे के लिए उपलब्ध है, महापौर जी के पास सिंपत्ति पेश करने की नहीं आ सकते, मैं पूछना चाहता हूँ महापौर जी से क्या कितनी लगातार ट्राई कर रहे हैं और लेकर उसके बाद देखिए नीरज जी ऐसा नहीं है, आप ये कहें कि महापौर जी उपलब्ध है, महापौर 24 घंटे जनता के लिए 24 घंटे उपलब्ध है महापौर जी, ऐसा नहीं है, आप जाकर टीवी पर आने गए सब कुछ नहीं, तो आप उनसे कभी भी मिल सकते हैं, 24 घंटे व्यक्ति के लिए उपलब्ध रहते हैं, काम से मतलब है आलोक जी, सिर्फ इतना चाहते हैं, हम लोगों को कोई बहस नहीं करनी, महापौर जी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है ना मेरी, लेकिन 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 कोई अगर कर्मचारी भी अगर दोषी होगा, कोई की गलती है सुधार भी किए जाएंगे, मैं आपको खुद आश्वस्त कर रहा हूँ इस बात की, आप निश्चित अगर आप कह रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंटों में कमी है, इंस्ट्रूमेंट के उपकरण पुराने हमारे महापौर जी कह चुके हैं, उपकरण खुद पुराने महापौर जी कह चुके हैं, मुद्दा क्रम में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे, मुद्दा क्रम में हाप्ताई दमकल विभाग बेबस नगर निगम, ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत, हम बात करते हैं मुद्दा क्रम में हाप्ते दमकलें बेबस नगर निगम, मेरे साथ चर्चा में उमर दराज जी और आलोक भारद्वाज जी हैं, आलोक जी अभी मुद्दा उठाया उमर दराज जी ने कि कुछ चेसिस जो है कांग्रेस सरकार के समय, कांग्रेस जब मेयर थी तब खरीदे गए थे, उन चेसिस को जंग लग रही है, मिट्टी धूल फांक रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि नगर निगम जो उनकी उनकी बॉडी बनवानी थी, बॉडी बनवाता था शायद पूरे जयपुर शहर में कहीं ना कहीं अग्नि बुझाने के काम आते, जो पुराने संसाधन थे जो खटारा हो चुके हैं उनकी जगह रिप्लेस होते हैं तो जनता को राहत मिलती, क्या यहाँ भी पॉलिटिकल आधार पर इस तरह का कुछ भेदभाव किया जा रहा है जिसके चलते वो जो जंग खा रही है आई हुई, वो भी सरकार की संपत्तियां हैं लेकिन वो उनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं जा रहा, क्या नगर निगम का खजाना खाली है, पैसा नहीं है, या आखिरकार क्या कारण है कि वो जो पूर्व में खरीदी गए चेसिस जो सिर्फ इसी दमकल विभागों के विभाग में काम आने के लिए खरीदे गए थे वो धूल फांक रहे हैं, जंग खा रहे हैं, और वो आने वाले कुछ अगर इसी यही हालात रहे तो शायद लगता है बिल्कुल कबाड़ में बदल जाएंगे। इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में खुद महापौर जब विद्याधर नगर वाली दुखांतिका हुई थी उसके बाद महापौर जी का खुद का बयान पूरी जनता ने पढ़ाया है, सब जगह प्रकाशित भी है, उन्होंने खुद इस बात को कहा कि भाई और आप सबको पता है 10 साल पुराने इंस्ट्रूमेंट थे, इंस्ट्रूमेंट पुराने हो चुके, इंस्ट्रूमेंट खराब है, तो देखिए अग्रवाल जी 10 साल पुराने नहीं है, 3 साल से खड़े हैं उमर दराज जी, उमर दराज जी जो काम में आ रहे हैं कुछ ऐसे भी है, मैं आपको गर्म करी बात है ना, और उमर दराज जी उमर दराज जी ऐसा नहीं है, देखिए इंस्ट्रूमेंट की आप प्रूफ कर दो 10 साल पुराने नहीं, नहीं 10 साल पुराने नहीं है, ये ज्योति खंडेलवाल के कार्यकाल में खरीदे गए हैं, आप सही बयानबाजी सही कह रहे हैं, नहीं तो आपने कारण जो मैं आपको बता रहा हूँ इंस्ट्रूमेंट पुराने इंस्ट्रूमेंटों में अगर खराब है तो उनके सुधार की प्रक्रिया के लिए भी मेयर जी ने जब खुद कहा थे वो तो पुराने नहीं खरीदे थे, आलोक जी नए थे, वो हम नए चेसिस की बात कर रहे हैं, नए चेसिस खड़े मिलते हैं आलोक जी, आलोक जी कैसे बचकारी बात कर रहे हो, आलोक जी कैसी बचकारी बात कर रहे हो, क्या चेसिस पुराने मिलते
वाली बात कर रहे हैं जी, मैं बात चेसिस की बात नहीं कर रहा हूँ। आपने कहा चेसिस की बात पे, तो नहीं तो मैंने चेसिस देखा, आपने बताया, और जो मैं आपको जो कह रहा हूँ आपको बात आती है पैसे की, राजी ऐसा नहीं है की देखा, सबको पता है। देखिये आपको भी जिस माध्यम से आप अगर पार्षद है तो जनता सारी पार्षद नहीं है, जनता को सब चीजें पता है, और जो चुन के भेजते हैं आपको पार्टी ने भेजा ना, आप पार्टी बता रहे हो, आप भारतीय जनता पार्टी का बचाव कर रहे हैं बैठ के, बचाव नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारी सरकार नकारा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी नकारा है, उसके पांच जाने जा चुकी है, 10 करोड़ मुझे बताओ आगे और क्या 10 करोड़। उसके बाद आप अमर दराज जी एक बार इनकी बात होनी दीजिए पूरी, लेकिन हम चाहते हैं आलोक जी आप सही बात जनता के सामने रखें, क्योंकि आप सही बात रखेंगे तो उसमें आपकी बात भी रहेगी, अच्छा भी लगेगा, क्योंकि चेसिस जो खरीदे गए थे ये ज्योति खंडेलवाल जी के कार्यकाल में खरीदे गए थे, इसलिए 10 साल पुराने नहीं है ये। लेकिन नीरज जी काफी और इंस्ट्रूमेंट, में खाली चेचिस के लिए नहीं कहा था, लेकिन फायर के जो भी इंस्ट्रूमेंट है मेरा पर्याय इंस्ट्रूमेंटों से था, मेरा आपने उसको चेचिस पर जोड़ा तो मेरा इंस्ट्रूमेंट से पर्याय है ना, तो वैली तो वो आपको मैं कंफर्म कर, कमियां है उसको कैसे दूर किया जाए, मैं वही बता रहा हूँ आपको। देखिए फायर सेस का पैसा अभी तक आपको देखिए कि करीब 60 करोड़ रुपया नगर निगम के पास है, जो नगर निगम को जेडीए को देना है फायर सेस का, और नगर निगम ने 10 करोड़ की स्वीकृति की प्रक्रिया भी जारी हो चुकी है, नगर निगम पे पैसा आएगा फायर के सुधार के लिए और किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है आपके माध्यम से मीडिया मेरी आपकी खुद उमर दराज जी की पार्टी से ऊपर उठकर हमारी एक जिम्मेदारी और बनती है। आलोक जी मैं आपकी बात दुरुस्त करना चाहता हूँ, वो पैसा जेडीए के पास है न कि निगम के पास है। मैंने वही कहा जेडीए के पास है, जेडीए से निगम को आएगा। देखिए जेडीए के पास है, मैंने भी ये कहा कि जेडीए के पास है, मैं बताया था आपको, मैं भूल हो गया, नहीं नहीं मैंने बताया जेडीए के पास है, जेडीए में बाकी है, मैंने कहा जेडीए के पास है, आपको इशू कर चुके हैं, आप क्यों नहीं मांगे, आपने 3 साल से आप क्या कर रहे थे, क्यों नहीं लिखे आपने जेडीए, आपने रुपए आपका देखिए निगम के पास पैसे की कमी नहीं है, आप ड्यूटी टैक्स ले रहे हो जनता से, आप पार्षद है, मुझे बताइए क्या नगर निगम सीधा हस्तक्षेप रखती है दमकल विभाग में, क्योंकि जो अपॉइंटमेंट्स में है, जो नियुक्तियां हो रही है वहां पर भी, क्योंकि ज्यादातर लोग ठेके के कर्मचारी है, प्रशिक्षित कर्मचारी है, जब वो अग्नि स्थल पर जाते हैं, अग्निकांड स्थल पर जाते हैं, तो वो बिल्कुल वहां पर काम नहीं कर पाते। वही चीज मैं बता रहा हूँ आपको कि सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि इसमें डायरेक्ट हस्तक्षेप निगम का है, ठीक, और हमारा बदकिस्मती की बात यही है कि निगम का हस्तक्षेप है इसमें। मैं समझता हूँ निगम से हटा करके ये चीज कलेक्टर के काबू में दे दी जाए, अपने आप सुधार आ जाएगा। देखिए आप अगर आप कोई कर्मचारी आप रखते हैं, आप मिनिमम वेतन के ऊपर उनको रख रहे हो, 173 रुपए कट पिट के सारा ये वगैरह ये कट के ठेकेदार का सब कुछ करके 173 रुपए आप कर्मचारी को रोज दे रहे हो, 173 रुपए में आपको कौन मिलेगा, बेलदार भी आजकल 450-500 रुपए लेता है, मकान सही बात आप उनको रुपए सही दो, जो आपने जो आपके परमानेंट कर्मचारी है आलोक जी, जो आपके परमानेंट कर्मचारी है वो आपके पास इतने नहीं है जो आपकी पूरी पूर्ति हो सके उसकी, आपको जहां जरूरत 100 कर्मचारियों की है वहां आपके पास परमानेंट कर्मचारी 20 है आपके पास, तो अब 80 आप कहां से लाओगे, अनट्रेंड ही तो लाओगे आप, और जो आपके परमानेंट कर्मचारी आप इस बात को कह रहे हैं लाओगे तो कम से कम आप 20 कर्मचारियों ने भी आप आलोक जी आग लगने के कारणों पे भी तो जाएं, आग लगने का कारण कोई होता है क्या, आलोक जी माफ कीजिएगा, आलोक जी माफ कीजिएगा, ये कोई बात नहीं है कि आग लगने के कारणों पर जाइए, आग लगने के कारण कैसे भी लग जाएगी, आग लगने के कारणों पे तो कारण कुछ आग लगने के लिए आग कोई व्यक्ति जानबूझकर तो लगाता नहीं है आलोक जी, इसका मतलब आग कोई व्यक्ति जानबूझकर तो लगाता नहीं है, आग किसी आकस्मिक कारण से लगती है, ऐसे में आप जनता को दोषी ठहरा है ये उचित नहीं है, मतलब ये तो उचित दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ मैं, तो कह रहा हूँ कोई भी कम से कम बात रखिए अच्छी, मैं चाह रहा हूँ आप दोनों बात, मैं चाह रहा हूँ आप दोनों बात अच्छी रखें, उचित बात रखें, ताकि लोगों को समझ आए। नीरज जी इनका मतलब तो ये हो गया कि ये करे तो इबादत और जनता करे तो गुनाह, इसका मतलब आग लग गई तो जनता गुनाहगार है, इनका निगम गुनाहगार नहीं है, जनता की सरकार गुनाहगार नहीं है जो लापरवाही कर रही है, आप क्यों नहीं करते, परिवार है आप, जनता का हिस्सा है, हमारे परिवार में सही बात आलोक जी आपको मालूम है क्या, ये सब जनता का रुपया, यूटी टैक्स आप जनता से ले रहे हो, आप नल का बिल दे रहे हो, उसको आप होर्डिंग लगा रहे हो, जनता ले रहे हो काम में, जनता के लिए आपने क्या कर दिया 3 साल में भट्टाघार करके, उमर दराज जी आलोक जी बताइए चलो किस तरह से सुधार हो, आपने कहा कि आप बता दो सुधार आग लगने के कारणों का जांच होनी चाहिए, वो अलग विषय है, वो जांच होती है, कोई भी व्यक्ति जानबूझकर आग नहीं लगाता, क्योंकि अगर जानबूझकर आग लगाता है तो फिर इंश्योरेंस क्लेम कंपनी है वो जानती है,
पुलिस जानती है। तो नीरज जी एक बात बताइए, आप क्या निगम आ गया था क्या? हम इस बात को ऐसे कहें, हम हर चीज को इस तरह से क्यों ले रहे हैं? सुधारने की बात आप सिर्फ एक ही व्यक्ति आप सुधार पे ही मैं कह रहा हूं सुधार सुधरे। अजी आपकी गलती तो है ना, अभी मुझे ये बता दो आप तो उमर दास जी गलती तो मेरी और आपकी सबकी गलती है। हम अगर नागरिक है तो गलती हमारी है। अच्छा मतलब नागरिक हमारी भी गलती है, सबकी गलती है। निगम ने अगर कोई गलती करी है तो कर्मचारी की गलती, कोई गलती नहीं है। पीछे नहीं आपको मतलब जनता की गलती है, जनता सुन रही है। अगर आलोक जी जनता सुन रही है, जनता जवाब दे रही है आपको। आप राजस्थान से ऐसे गायब हो जाओगे जैसे गधे के सर पे से सी। बस आपको जनता सुन रही है, जनता जवाब देगी। आप बताइए उमरदराज जी, आप बताइए आखिरकार इसमें सुधार कैसे हो चुकी है? आप बताइए क्योंकि आप प्रतिपक्ष में हैं। इससे पहले भी दो डिबेट हो चुकी है। मैं आपको ये बता दूं, हमें कम से कम पहले तो कर्मचारियों की भर्ती करनी होगी, और उन कर्मचारियों की भर्ती करनी होगी जो जिस महकमे में जिस चीज में ट्रेंड हो। मान लो आपको फायर में रखना है तो फायर में ट्रेंड होना चाहिए वो, आपको सफाई समिति में रखना है तो वो इंजीनियर से ट्रेंड होना चाहिए। आपके पास किसी भी नगर निगम के जो मूलभूत सुविधाएं जनता को हम देते हैं उसके अंदर अगर आदमी आप अनट्रेंड रखोगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। अभी 5 मरे, आने वाले आंसू में और ज्यादा मर जाएंगे। आपको रखना पड़ेगा, आपको रखना पड़ेगा। अल्लाह आपके पास साधन नहीं होंगे, आप वक्त पे नहीं पहुंच पाओगे, जनता को आप मरने के लिए छोड़ दोगे। क्यों फॉर्म बाहर आ गया, पानी बाहर आ गए, भाषण देने के बजाय जागरूकता के लिए भी कार्य करें। आपको सुधार करने वाली बात बताता हूँ मैं आपको, तो उस पे आइए ना। वापस सुधार करना है इसमें, आप सबसे पहले कर्मचारियों की भर्ती करिए और उन कर्मचारियों की भर्ती करिए जो ट्रेंड है। उससे पहले आपके आपके अपने साधन सुधारने चाहिए आपको, जो चेसेस आपके पास साधन सुधारने चाहिए जो नहीं कोई नहीं है। 3 साल से नए के नए चेसेस खड़े हैं, जो 15-18 चेस खड़े हैं आप सुधारो। जयपुर शहर में नहीं, पूरे राजस्थान में कहीं भी जो है अग्निशमन जो क्रम अग्निशमन 100 में इंस्ट्रूमेंट नहीं है आपके पास में, 100 में साधन इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं है, वाहन नहीं है, और सबसे बड़ी बात ट्रेनिंग की बात करें, यहाँ कोई प्रशिक्षण केंद्र भी नहीं है। 201 राजी मैं बता दूं आपको, आपके 201 तुम्हारे अग्निशमन केंद्रों में आपके पास में साधन नहीं है, 50% साधन नहीं है आपके पास। आपकी सरकार सोई पड़ी है, आप क्या बात कर रहे हो? आप बता दो मुझे, अगर 101 से ज्यादा 102 भी हो कोई भी फायर स्टेशन पर, बता दो आप 100 फायर स्टेशनों पे आपके पास में साधन नहीं है, ना आपके पास आदमी है, खाली नाम के फायर स्टेशन है। आप दोनों ने सही सुझाव दिया है, दोनों का कहना है कि कहीं ना कहीं जो है कर्मचारियों की कमी है फायर स्टेशन पर, जो दमकल है साधनों की कमी है। जब तक प्रशिक्षित कर्मचारियों की भर्ती नहीं होगी, क्योंकि लंबा समय हो गया है, जब कर्मचारियों की और जनता की, बिल्कुल सही कहा आपने, जनता की जागरूकता भी जरूरी है, लेकिन आलोक जी बिल्कुल आलोक जी जनता की जागरूकता जरूरी है, लेकिन कोई भी व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं होगा जो अपना घर चलाकर, अगर जनता नहीं होती, जनता के लोग अगर नहीं होते तो जालीपुर में अभी तो 5 दुकान जली है, शायद पूरा जालीपुर जल जाता अगर जनता साथ। आलोक जी उमरदराज जी आप सही कह रहे हैं, कहीं ना कहीं कमी बहुत सारी है, जनता की भी, जनता को भी जागरूक रहना पड़ेगा। जनता की जागरूकता के चलते ही तो ये हादसों पर अंकुश लग पाता है, समय पर सूचना दी जाती है, और उम्मीद ये होती है कि जो काम दमकल विभाग का उसको आप और मैं नहीं कर सकता, उसको दमकल विभाग ही करता है। स्थानीय लोगों का सहयोग जरूर मिलता है, लेकिन जो कमियां हैं जो निगम को करनी है वो निगम ही करेगा, निगम का जो प्रशासनिक ढांचा है उसी को करना पड़ेगा। आप दोनों ने मुद्दाक्रम में हिस्सा लिया, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।